हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो ये मेरा फ़ोटो है, फेस स्मूथिंग का फ़ोटो आप लोगों को हम सिखाएंगे। तो ये मेरा फ़ोटो है, इसको हम ऐसा फ़ोटो एडिट करके आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो अगर आपको मेरे जैसा फ़ोटो एडिटिंग सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचे। तो चलिए, आप लोगों को हम फेस स्मूथिंग और फेस गोरा कैसे किया जाता है और HD फोटो कैसे बनाया जाता है आप लोगों को सिखाऊंगा। देखिए, मेरा फ़ोटो HD में है, जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहले अपना मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। तो बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये मेरा फ़ोटो है, चलिए इसको हम एडिट करना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग एडिट करेंगे, आप लोग भी वैसे स्टेप बाय स्टेप ध्यान देकर सीखिएगा। तो यहाँ से हम इसको शेयर कर लेते हैं अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो स्नैपसीड एप्लीकेशन हम में शेयर कर लेते हैं अपना फ़ोटो। तो स्नैपसीड में हम अपना फ़ोटो शेयर कर लिया है, और यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर हो गया है। तो यहाँ टूल्स का ऑप्शन लिखा हुआ है ना, तो टूल्स से हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद ट्यून इमेज पर क्लिक करेंगे। ट्यून इमेज लाइट है ना, तो इसके स्क्रीन पे ऐसे हम रखेंगे तो लाइट को 51 बढ़ा देंगे, और जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे तो एम्बेंस एम्बेंस लिखा हुआ है ना, तो एम्बेंस को हम लोग बढ़ा देंगे। एम्बेंस को पूरा 100 कर देंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे और शेडोज थोड़ा बढ़ा देंगे, और यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से हम लोग टूल्स पर क्लिक कर देंगे और डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। डिटेल्स क्लिकने के बाद स्ट्रक्चर को 57 नहीं मतलब 50 बढ़ा देंगे और शार्पनिंग को 42 कर देंगे। शार्पनिंग को 42 कर दिए और यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद दोस्तों मेरा फ़ोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन में एडिट हो चुका है, बिफोर और ये आफ्टर। देखिए कितना का अंतर हो गया है, पहले मेरा फ़ोटो ऐसा था और अभी ऐसा है। मेरा फ़ोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन में दोस्तों एडिट हो गया है। तो यहाँ से हम शेयर कर लेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो देखिए यहाँ फ़ोटो सेविंग हो रहा है और शेयर कर रहे हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ से हम शेयर कर रहे हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर, तो हम लोग जैसे लाइट रूम में शेयर कर दिए ना, तो ऊपर से खींचेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा इम्पोर्ट फिनिशेड लाइट रूम एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे और सीधा हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन में चले जाएंगे। और यहाँ ऑल फोटोज़ पर क्लिक करेंगे तो मेरा फ़ोटो इस पर इम्पोर्ट हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं कहाँ आया है मेरा फ़ोटो। तो मेरा फ़ोटो यहाँ है, मेरा फ़ोटो लाइट रूम एप्लीकेशन में ये है। तो चलिए हम लाइट रूम एप्लीकेशन में आप लोगों को एडिट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ नीचे लाइट पे क्लिक करेंगे, लाइट पे क्लिक करने के बाद कंट्रास्ट को 20 कर देंगे और हाईलाइट को पूरा 100 माइनस कर देंगे, शेडोज को पूरा 100 फुल कर देंगे, वाइट्स को पूरा 100 माइनस कर देंगे, ब्लैक्स को 78 कर देंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए। मैं जैसा जैसा स्टेप यूज़ कर रहा हूँ आप लोग भी वैसा ही स्टेप यूज कीजिएगा, तो आप लोगों का भी फ़ोटो HD क्वालिटी में बन जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर कॉलर पे क्लिक करेंगे, कॉलर पे यहाँ मिक्स पे क्लिक करेंगे। मिक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ हरा वाला है ना, उस पर क्लिक करके सिचुएशन को फुल कर देंगे, और यहाँ जो येलो टोन है इस पर क्लिक करके इसका सिचुएशन माइनस कर देंगे, और फिर इस पर क्लिक करके इसका भी पूरा फुल कर देंगे ह्यू, और फिर इस पर क्लिक करेंगे इसका सिचुएशन फुल कर देंगे, और फिर इस पर क्लिक कर देंगे और इसका भी थोड़ा बढ़ा देंगे, जिसमें मेरा ये शर्ट है ना उस पर थोड़ा कलर हो जाएगा, और थोड़ा ऐसा ह्यू भी बढ़ा देंगे, और थोड़ा इस पर क्लिक करके फिर इसको भी बढ़ा देंगे, और फिर इस पर क्लिक करेंगे इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं,
और देखिए मेरा अभी फेस उतना वाइट नहीं है, आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, मेरा फेस अभी रेड है, तो इसको गोरा करने के लिए दिखाता हूँ, ये वाला है, इस पर क्लिक करेंगे, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इस पर क्लिक करने के बाद इसका सिचुएशन को कम करेंगे और वाइट्स को बढ़ाएंगे, वाइट्स को बढ़ा के सिचुएशन कम किए, ये मेरा फेस गोरा हो गया ना, तो आप इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसका सिचुएशन बढ़ा देंगे और इसका कम कर देंगे, और देखिए मेरा फेस भी गोरा हो गया, और यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, और इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा देंगे, टेक्सचर को यहाँ से थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं, टेक्सचर बढ़ाने के बाद हम लोग क्लियरिटी थोड़ा बढ़ा देंगे, क्लियरिटी बढ़ाने से क्या होता है कि फ़ोटो HD हो जाता है, तो क्लियरिटी को हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि मेरा फ़ोटो HD हो जाए, चलिए हम 31 बढ़ा दिए, इससे ही फ़ोटो HD बनता है, MB में फ़ोटो बनता है, तो यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है ना, डिजिट्स को थोड़ा बढ़ाएंगे हम लोग, चलिए डिजिट्स को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एकदम हल्का सा बढ़ाना है, और विगनेट को थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसमें हो गया, और यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स पर शार्पनिंग को बढ़ाएंगे, शार्पनिंग बढ़ाने के बाद फिर डिटेल्स को फुल कर देंगे, और नॉइज रिडक्शन है ना, इसको भी थोड़ा बढ़ाएंगे और डिटेल्स को फुल कर देंगे, कलर नॉइज रिडक्शन को बढ़ाएंगे, फिर डिटेल्स को फुल कर देंगे, और स्मूथनेस को भी हम फुल कर देंगे, स्मूथनेस फुल करने के बाद यहाँ पे इसको भी क्लिक करेंगे और ये दोनों को ऑन कर देंगे, देखिए लोडिंग ले रहा है, तो ये दोनों को ऑन करने के बाद चलिए दोस्तों मेरा लाइटरूम एप्लीकेशन में फोटो एडिट हो गया है, अब मेरा पिक गोरा भी हो गया है, देखिए जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरा फ़ोटो गोरा भी हो गया है, अब हम इसको स्मूथ करेंगे, स्मूथ करने के लिए ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में, तो चलिए दोस्तों हम शेयर कर लेते हैं, शेयर हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ ऑटोडेस्क में हम शेयर कर लेते हैं, ऑटोडेस्क शेयर करने में के बाद आप लोगों को बताते हैं कि स्मूथ कैसे किया जाता है, कौन सा ब्रश लिया जाता है, तो ऊपर में है ना ये तीसरा नंबर वाला, इस पर क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे एस्मोज एस्मोज लिखा हुआ है ना, तो दो नंबर ब्रश यूज करेंगे, दो नंबर ब्रश पर क्लिक करने के बाद ऊपर में सेटिंग लिखा हुआ है ना, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, फॉलो वन रहना चाहिए, एस्टेंस एक वन रहना चाहिए, और साइज आप अपने हिसाब से जैसे रखिएगा वैसे रख सकते हैं, और यहाँ से सेटिंग पर क्लिक कर देंगे, और फिर देखिए आराम से मान लीजिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक है, इस पर गोल गोल हम लोग चलाएँगे, देखिए स्मूथ हो रहा है ना, तो ऐसी ऐसी करके स्मूथ हम लोग करेंगे, देखिए आप लोग कम करके दिखाता हूँ, जितना आप लोग इसको अच्छे से खींचे उतना अच्छा रहेगा, इस पर आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, देखिए दोस्तों हो रहा है ना स्मूथ, हम लोग ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप ध्यान देके देखिए और आप लोग एडिट करना सीख जाएंगे, देखिए स्मूथ यहाँ पे हो गया है ना, और इसी तरह थोड़ा हम साइज बढ़ा लेते हैं, और साइज बढ़ाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे अब स्मूथ करते हैं, देखिए गोल गोल चलाइएगा ना तो अपने में स्मूथ है, मान लीजिएगा आप इधर से इधर कीजिएगा तो ब्लैक आने लगेगा, इसीलिए आप लोग गोल गोल चलाइएगा, अपने उंगली को ना गोल गोल चलाइएगा, जहाँ पे भी आपका ब्लैक रहेगा ना तो वो एक ही में मिक्स हो जाएगा, तो आप लोग सीख ही लिए होंगे कैसे स्मूथ किया जाता है, तो चलिए वीडियो स्पीड कर लेते हैं और फटाफट इसको हम स्मूथ कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स स्मूथ मेरा हो गया है, देख लीजिए, तो आप लोग स्मूथ
करना सीख ही गए होंगे। तो देखिए मेरा फ़ोटो स्मूथ हो गया है, कितना अच्छा से स्मूथ हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। तो अब इसको हम ऑटोडेस्क में से शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे और ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो पिकार्ट एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए पिकार्ट एप्लीकेशन यहाँ पे है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये फ़ोटो को हम पिकार्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स मेरा फ़ोटो पिकार्ट एप्लीकेशन में शेयर हो गया है, देख लीजिए आप लोग। तो इस फ़ोटो में हम लोग PNG ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए नीचे ऐड का ऑप्शन लिखा हुआ है, ऐड पे क्लिक करेंगे और सीधा हम लोग गैलरी में चले जाएंगे। तो एक यहाँ लाइट का PNG है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड पे क्लिक कर देंगे और देखिए सीधा इसको अपना केस पर लगा लेते हैं। देखिए एकदम ज़्यादा भी इफेक्ट है ना, मतलब ज़्यादा ही रेड है, तो इसका ओपेसिटी हम लोग यहाँ नीचे कम कर देंगे, तो थोड़ा कम कर देते हैं और इसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद एक तितली वाला PNG है, उस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए तितली वाला PNG ऐड हो गया है और इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे इस फूल के ऊपर, देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और ऊपर में यहाँ इरेज के बगल में है ना, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। अब फिर इसको भी छोटा करके यहाँ पे लगा लेंगे, एक और इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और मान लीजिए कि तितली अभी इसमें घुमा हुआ है ना, तो नीचे फ्लिप रोटेट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और ऐसे घुमा देंगे, देखिए तितली घूम गया ना। और इसको भी हम यहाँ पे छोटा करके लगा देंगे और यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद देखिए मेरा पिकार्ट एप्लीकेशन में फ़ोटो बन गया है, मैं जितने भी PNG था वो सब ऐड कर लिए हैं। और यहाँ से इसको हम ऐसे करके ड्रॉ पर क्लिक करेंगे, ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। फ़ोटो मेरा सेव हो चुका है, तो हम लोग गैलरी में चलते हैं, यहाँ से एल्बम। तो फ्रेंड्स मेरा फ़ोटो गैलरी में सेव हो चुका है और फिर से हम इस फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम इस फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेता हूँ दोस्तों। तो हम लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर रहे हैं, शेयर करने के बाद हम लोग ऊपर से खींचेंगे ऐसे ना, तो यहाँ लिखा रहेगा लाइटरूम इम्पोर्ट फिनिश सेट, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और सीधा लाइटरूम में चले जाएंगे। लाइटरूम में चले जाने के बाद अपने फ़ोटो को ढूंढ लेते हैं कहाँ पे आया है मेरा फ़ोटो। तो मेरा फ़ोटो यहाँ पे है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे कॉलर पर क्लिक कर देंगे, यहाँ मिक्स पर क्लिक कर देंगे। मिक्स पर क्लिक करने के बाद हरा वाला पर क्लिक करेंगे और इसका सिचुएशन बढ़ाएंगे और यहाँ से ह्यू को बढ़ाएंगे, ह्यू को भी पूरा फुल कर देंगे और यहाँ से येलो टोन पर क्लिक करेंगे और इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से कलर चेंज हो गया मेरा बैकग्राउंड का और इस पर क्लिक करेंगे और इसका ह्यू इधर उधर मतलब कम रहता है, देखिए जैसा हो रहा है ना फोटो, जैसा हम लोग थंबनेल में दिखाए थे ना आप लोगों को वैसा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ही रहने देते हैं और थोड़ा सा सिचुएशन बढ़ा लेते हैं और यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद टेक्सचर को थोड़ा कम कर देंगे, क्लियरिटी थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि मेरा फ़ोटो HD हो जाए, डिजिट थोड़ा बढ़ा देंगे और फिर से डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे, शार्पनिंग बढ़ा देंगे और डिटेल्स को भी बढ़ा देंगे, नो एड रिएक्शन और डिटेल्स को भी बढ़ा देंगे, यहाँ कलर रिडक्शन लिखा है उसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं और डिटेल्स को भी बढ़ा देंगे और स्मूथनेस को भी बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स
मेरा फ़ोटो देखिए एडिट हो गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग एडिट करना सीख ही लिए होंगे। तो यहाँ से हम शेयर पे क्लिक करेंगे और सेव टू डिवाइस लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। लोडिंग ले रहा है, देखिए मेरा फ़ोटो सेव हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय।